मेरा नाम डॉक्टर प्रियंशु पटेल है, मैं 43 इयर्स ओल्ड हूँ और मैसना में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह 6:45 बजे है ना, मुझे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हुई, ब्लड वॉमिटिंग, और मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था और हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहे थे। मेरा लड़का है 14 ईयर ओल्ड आरओ पटेल, तो उसने देखा मुझे और तुरंत अपनी मम्मी को बुलाया कि पापा को कुछ हो रहा है और वो एबनॉर्मल है। आरव ने जब मुझे बताया तब मैं प्रियांशु के पास गई, तो पहले मुझे फर्स्ट थॉट मुझे ये लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग होगा। सो फिर उनकी हाथ की मूवमेंट और वो सब, मतलब पैर तो नीचे रख ही नहीं पा रहे थे और हाथ की एकदम इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसे लगा, तो फिर ऐसे लगा कि ये नॉर्मल कुछ वॉमिटिंग जैसा नहीं है, ये शायद ब्रेन रिलेटेड कुछ हो सकता है। उसके बाद स्कैनिंग के लिए हम लोग एमआरआई सेंटर गए और वहां पे भी एमआरआई करवाई, बट उन्होंने बोला कि ये थोड़ा मतलब ब्रेन स्ट्रोक जैसा लग रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा बड़े अस्पताल अहमदाबाद गए और वहां पे ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। प्रोसीजर के तुरंत बाद 4-5 घंटे के बाद मैं बोलने लगा था और हाथ पैर दोनों काम करने लगे थे, तुरंत कमांडिंग टोन पावर सब अच्छी तरह से आने लगा था। मेरा ऑपरेशन हुआ 13 तारीख को और मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया 25 तारीख को। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, अभी वो रिकवर कर रहे हैं, तो देन मतलब जान में जान आई, ऐसा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत फास्ट रिकवरी हुई।